हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीमियर एस राठौड़। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सब सही सलामत होंगे। तो आज हम चलते हैं अरबी के घर, यानी यहाँ पे मैं दुबई में हूँ, तो एक फैमिली के परमिशन लेके वीडियो बनाया हूँ। तो देखते हैं अरबी के घर कैसे होते हैं और कैसा उनका रहना सहना, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये है बाहर का, जैसे कि घर बनाते हैं उसके बाद हम बोलते हैं ना कि राउंड अप कर लो यार, कोई आ ना जाए, कोई ना जाए, ऐसा बना देते हैं कि चारों तरफ से दीवार बनाई जाती है। जैसे देखिए, वो है गेस्ट रूम, ठीक है, और ये है वहाँ पे जब इवनिंग टाइम पे बैठने के लिए, और वो रहा आगे एसी, आगे गार्डन वगैरह बना दे देते हैं। वैसे ही देख लीजिए, कोई पढ़ने वाले को यहाँ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। तो डिपेंड करता है, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। तो ये है अरबियों के घर के आसपास जो जगह रहती है, यहाँ पे ऐसे ही है। तो ज़्यादातर अरबी लोग मतलब बड़े से ज़्यादा मकान नहीं बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा नहीं बनाते हैं। फर्स्ट लास्ट है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। और अरबियों के घर ऐसे होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं वो तो विदेश लोग, जैसे हम विदेश से जाते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए हमारे लिए होता है, ज़्यादातर रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, टोटली रहते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादातर वायलेंस ना हो, वैसे जगह चाहते हैं। जैसे देख रहे होंगे सब एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, सेम टू सेम, कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा किसका घर है। ऐसे घर होते हैं जो अरबियों के घर। यहाँ पे रहना वैसे भी साइलेंट एरिया ही पसंद करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि घर के सामने एक ड्राइवर का एक रूम भी होता है, सभी लोग वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर, तो वैसे यहाँ पे भी सेम सिस्टम रहता है, यानी कि उनके घर के अपोजिट मतलब उसी रूम में वहाँ पे ही बना देते हैं उसके रहने के लिए जगह। जब भी ज़रूरत पड़े तो मैसेज का कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉक कर दो, घर के सामने ही तो रहता है। इसीलिए ऐसा पसंद भी वही करते हैं जैसे अरबी लोग, साइलेंट एरिया रहना पसंद करते हैं। जो ड्राइवर रहेगा उसे थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, दिक्कत यह होगी कि उनको फैमिली में ज़्यादातर अरबी लोग बात करते हैं ना, तो हमें जैसे हम इंडिया या पाकिस्तान से जब जाते हैं तो हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादातर पसंद नहीं होती है। वैसे दुबई में तो ज़्यादातर इंग्लिश चलती है लेकिन सऊदी में नहीं चलती है। सेम कंडीशन है कि वहाँ पे ज़्यादातर अरबी बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश चलता है, नॉर्मली 90% चलता है। तो अरबी वाले तो उनके फैमिली में तो अरबी ही बात करना पसंद करते हैं, तो फिर भी हमें सीखना ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है कि क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो सीखना इम्पोर्टेंट यही है ना, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए विला के अंदर जा रहे हैं। तो यही होती है कि इनका फैमिली मतलब इनका घर वगैरह सब कुछ सब थोड़ा बहुत डिफरेंट ही होता है, ये कि घर बना दे देते हैं उनका, मतलब हर एक मेम्बर का, फैमिली मेम्बर का अलग अलग रूम होता है, जैसे कि रहने के लिए, जैसे कि मेरा अलग, मेरा भाई का अलग, मेरे सिस्टर का अलग, फैमिली में हर एक मेंबर का अलग होता है रूम। जैसे किचन तो सेम ही होता है, बाकी चीज़ें नॉर्मली देखा जाए तो रहने के लिए, गेस्ट वगैरह आने के लिए, ऐसे जैसे देख रहे हो आप ऐसे होता है। जैसे रूम तो सबका अलग अलग है। तो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।